31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात एक लड़की अपनी जॉब ड्यूटी पूरी करके वापस जा रही थी घर, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग कार लेकर के आए और उसके बाद फिर हालांकि शुरुआती जांच ये बता रही है कि एक्सीडेंट हुआ और जो लोग कार में सवार थे वो घबरा गए और लड़की को 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। लेकिन मृतक लड़की की मां को एक बार आप लाइव सुनिए, उनकी बातें इशारा कुछ और कर रही हैं। कंझावला हादसे मामले में जिस तरह की घटना सामने आई वो सारी हैवानियत को पार कर दी है। जिस प्रकार से गाड़ी से 4 किलोमीटर तक घसीटा गया और जब पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस भी पूरी तरह से सोई नजर आई और जब मीडिया ने दिखाया तो फिर हरकत में आई है। पूरा परिवार जो है सो गम में है। आप देखिए उनकी माँ हमारे साथ हैं, जिस प्रकार से लड़की की मौत हुई है, उनकी सिस्टर हैं, उनका भाई है, घर पूरी तरह से कहा जाए तो गमगीन है, यहाँ पूरी फैमिली है इनके साथ। हम सीधे इनसे माँ से बात करते हैं। माँ जी आप बताएंगे जिस प्रकार से हादसा हुआ है क्या कहेंगे आप? हादसा हुआ नहीं है, हादसा मेरी लड़की का बनाया जा रहा है। मेरी लड़की को गलत करके मारा गया है, बस रेप करके मारा गया। उसके साथ गलत करा है, 5 लड़कों ने रेप करा है उसका, और उसके पता नहीं क्या क्या शरीर के अंग भी कट गए हैं। मेरे को तो अब पता चलते चलते चल रही है कि ये नहीं है उसका, वो नहीं है। मेरी लड़की के तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है जो कि एक कपड़ा तक नहीं बचा शरीर पे? कैसे एक्सीडेंट है? मेरी लड़की की बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ दो। और 3 दिन हो गए कोई सुन भी नहीं रहा, और मेरी बेटी से मुझे अभी तक मिलवाया भी नहीं है एक बार भी। परसों की 9 बजे की बात हुई है मेरे बच्चे से, मेरी मम्मी मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी जब मेरा काम खत्म हो जाएगा जब तक आऊंगी। आपकी लड़की कहाँ काम करती थी और कितने बजे आखिरी बातचीत हुई, क्या कहकर गई? मेरी लड़की इवेंट का काम करती थी, कहीं भी शादी ब्याह पड़ती है पार्टी वाल्टियों में काम करती थी, अकेली वो ही थी घर में काम करने वाली। मेरे 3 बच्चे हैं, उससे छोटे और चौथी मैं हूँ। सारा घर का खर्चा वही उठाती थी, मेरे आदमी भी नहीं है, मैं बीमार भी रहती हूँ, सब कुछ दवा गोली वही करती थी। और परसों की गई है अभी तक नहीं आई, और मेरे को कल सुबह ने 7 बजे कॉल करा था पुलिस वालों ने, 2-3 घंटे तक घुमाते रहे, मगर मेरी बेटे से नहीं मिलवाया मुझे। और फिर मैं थाने में लाके सुल्तानपुरी के में बिठा दिया के सुल्तानपुरी में चले जाओ, वहाँ भी बैठी रही पुलिस, SHO, IO वगैरह सब चीज आ गई, मगर किसी ने यूं नहीं बोला कि अपने ये बच्चा तुम्हारा देख लो कि तुम्हारा है या नहीं है। किसी ने अभी तक नहीं दिखाया मेरा बच्चा। पोस्टमार्टम डेड बॉडी की हुई है नहीं हुई? अभी कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं दे रहे कुछ कि पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ। पूरा परिवार एक गम के माहौल में है। यहाँ आप देखिए तमाम जो पास पड़ोस के लोग हैं, जो इनके रिलेटिव्स हैं, वो आ गए हैं दूर से, और जिस प्रकार से हालात हैं, जिस प्रकार से देश की राजधानी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वाकई में काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और पूरा परिवार यही कह रहा है कि इस मामले में पुलिस को छिपाए नहीं, निष्पक्ष जाँच हो और इन्हें इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के साथ मिलाए हैं। मनोहर केसरी ये बताएं कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है हिट एंड रन केस है, घबरा करके भागे उसके बाद 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए चले गए। लेकिन मृतक लड़की की मां जिन्हें अभी हम सुन रहे थे उनका ये कहना है कि नहीं, उन्हें शक ये है कि लड़की का बलात्कार किया गया, उसके बाद फिर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है मनोहर?
देखिए बिल्कुल, उससे पहले मैं आपको राशि दिखाऊं, मैं अभी सुल्तानपुरी थाने में हूं और यहां आप बाहर देखिए महिलाएं जो है थाने का घेराव किया है और लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोगों ने यहां पर जो बैनर पोस्टर लगे थे उनको फाड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि जो एक आरोपी है वो बीजेपी के हैं तो उनके बैनर पोस्टर फाड़े गए। लगातार पुलिस के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और ये आप देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो घर से निकल करके एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आई हुई है। न सिर्फ महिलाएं पुरुष भी है यहाँ पर हैं और आप देखिए ये जो मेरे साथ यहाँ पर एक जो बुजुर्ग महिला देख रही है जो खुद पांव से सही ढंग से नहीं चल पाती है लेकिन ये जो है मृतिका की नानी है वो यहाँ थाने पर आई है और पीड़िता की माँ जो है सो अंदर है, उनके परिवार वाले अंदर हैं। इनसे हम सीधे बात कर, आप थाने तक आई हैं, आप चल नहीं पा रही, क्या चाहते हैं? जी हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ करते। हमारा बच्चा वो ही था, लड़का था, लड़की थी वो ही थी, ना उसके माँ थी कोई काम की नहीं, तो ना किन्नी खराब है लड़की की हमारी की, उसका बाप भी नहीं है, उसके बड़े भैया भी नहीं है, छोटे छोटे भाई है, वही कमाती थी वही खवाती थी मेरी बच्ची, उनका हाथ। मैं तो ये कहूँ उनको फांसी चाहिए, फांसी इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे घर का लूट लिया, ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे नेता है, उनका नेताओं का साथ देती है ये सरकार, नेताओं के साथ देती है। मैं हमें बच्चे का ठीक है। अजय जंडियाल दोबारा आपके पास, पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट की मौत हुई है उसकी बहन भी इंडिया न्यूज पर लाइव है। मनोहर केसरी आपने बहन से भी बात की है, एक बार पूरे परिवार को हम सुन लेते हैं फिर से आपके पास में हम लाएंगे क्योंकि कंझावाला का एक ऐसा इलाका है जहां पर कई लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक फांसी की सजा नहीं मिलती है, फांसी की सजा मुकर्रर नहीं की जाती अदालत की तरफ से तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। मृतक लड़की की बहन इंडिया न्यूज पर लाइव। कहेंगे कब आपकी दीदी से आपकी बात हुई थी? परसों हुई थी 9 बजे। क्या बोल करके वो गई थी? वो बोल के गई थी कि मैं काम पे जा रही हूँ तो मैं रात को आ जाऊंगी, जल्दी हो गया तो काम खत्म हो गया तो आ जाऊंगी, यानी तो सुबह तक हो जाएगा तो आ जाऊंगी, बस ये बोल के गई थी। पुलिस वाले जिस तरह से कह रहे हैं, जिस तरह के वो केस बना रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंटल केस है, आप क्या मांग करेंगे? ये एक्सीडेंट तो है हो ही नहीं सकता, आप भी जानते और हम भी जानते हैं ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। एक्सीडेंट होता है कुछ कपड़े तो मिलते हैं पर उसके शरीर पर कोई कपड़ा ही नहीं है, तो एक्सीडेंट थोड़ी हो सकता है, ये एक्सीडेंट नहीं है। अब पोस्टमार्टम कब हो रहा है कुछ बता रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं बताया अभी। तो क्या मांग करती हैं? मैं तो बस ये चाहती बस उन्हें सजा मिले। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा परिवार एक गम के माहौल में है। यहाँ आप देखिए तमाम जो पास पड़ोस के लोग हैं, जो इनके रिलेटिव्स हैं, वो आ गए हैं दूर से और जिस प्रकार से हालात है, जिस प्रकार से देश की राजधानी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वाकई में काफी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और पूरा परिवार यही कह रहा है कि इस मामले में पुलिस को छिपाए नहीं, निष्पक्ष जाँच हो और इन्हें इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। और आगे आप सुने मृतक लड़की की नानी ने अपना दुख किस तरह से बयां किया है, इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ने बात की है, सुनिए। नानी और उनकी रिलेटिव है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता है। क्या कहेंगी पूरे हादसे को लेकर? पूरे हादसे को यह है कि लड़की के साथ में जैसा किया है उन्होंने, लड़की के साथ में रेप करके गाड़ी में डाल के उसको घिस घिस के मारा है और फिर उसकी बेइंसानी हो रही है, थाने वालों गुमराह कर रहे हैं, ना मल में लड़की दिखाई अभी तक भी, और पोस्टमार्टम ना होने की वजह से भी ये कह रहे हैं कि अभी उसका लड़की का ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसमें पुलिस तो खारी है, पुलिस की साजिश है जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके साथ ऐसा हो जो आगे भी किसी के साथ ना करें जिन्होंने दरिंदों ने किया लड़की के साथ में। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी के पास में चलते हैं, कंझावाला केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मनोहर केसरी। मनोहर मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये जानना चाहा था, अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, किन किन थ्योरीज पर पुलिस काम कर रही है? देखिए बिल्कुल अब तक हमने जो पाया है इसमें जो परिवार वाले सवाल खड़े कर रहे हैं, इंडिया न्यूज भी वही सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार 3 बजे रात जब 31 की नाइट है और पुलिस दावा कर रही है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, तो आखिरकार 4 किलोमीटर तक पुलिस का कोई PCR वैन क्यों नहीं था? अगर वो चश्मदीद दीपक लगातार कह रहा है कि हमने PCR को कॉल किया लेकिन पुलिस को जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था वो रिस्पॉन्स नहीं है, आखिरकार पुलिस ने उस समय कदम क्यों नहीं उठाया? तीसरा सवाल कि अगर CCTV है
लेकिन जब पुलिस वहां गई तो एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाया गया, वो तड़प तड़प करके क्यों मर गई, परिवार वाले तमाम इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और चौथा सवाल जो अहम सवाल है, जो परिवार वाले खड़े कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है, हमने भी कई एक्सीडेंट देखे हैं, तो क्या पूरे शरीर के कपड़े गायब हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसी स्थिति में परिवार वाले ये तमाम सवाल कर रहे हैं राशिद, और हमने भी इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि वो जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल लाजमी है, इसका जवाब पुलिस को देना होगा। और मैं बताऊं, ये आप देखिए, ये थाना है सुल्तानपुरी का, और इसी के अंदर पांचों जो गिरफ्तार हुए हैं वो अंदर हैं, परिवार वाले अभी आए हैं, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं हम तब तक पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं देंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखिए थाने के बाहर, थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, ये आप देखिए यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग इधर घूमिए, इधर 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 घूमिए आप लोग, यहाँ विरोध प्रदर्शन थाने पर कर रहे हैं। ये बहुत गलत हुआ है, ये हमारी बहन-बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए, ये निर्मम हत्या है, ये एक्सीडेंट नहीं है, इसको एक्शन केस दिया जा रहा है, ये बहुत गलत हुआ है, आगे भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। क्या पुलिस किसी को बचा रही है? हाँ, पूरा बचाव कर रहा है, क्योंकि ये बीजेपी से कनेक्ट है, इसे बचाव पूरा किया जा रहा है, इंसाफ मिलना चाहिए बहन-बेटी को, ये देखिए यहाँ पर हाय हाय और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, लगातार जो है सो थाने की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन थाने के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले को लेकर के, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जो पीड़िता है वो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और क्योंकि आपका इस तमाम जानकारी के लिए वापस आपके पास में आएंगे। कंझावला में, सुल्तानपुरी में क्या चल रहा है, कंझावला कांड का जो विलन है उसकी नियत क्या थी, और जैसा कि परिवार वालों का आरोप है कि दुष्कर्म करने की कोशिश हुई है या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हुआ है उनकी बेटी के साथ, उनके घर की बहन के साथ में, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है।